नमस्ते, मैं हूँ श्रेय सरपदे और मैं आ रहा हूँ गुलाबी नगरी जयपुर में 28 सितंबर को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी जरूर आएंगे और हम सब मिलकर बनाएंगे इस रंगीन बेहतरीन शाम को और भी यादगार। तो मुझे इंतजार रहेगा आपका इस बीकाजी असली बीकानेरी प्रेजेंस ओसवाल सोप ग्रुप राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 7th अवार्ड सेरेमनी पावर्ड बाय सिद्धि अनंत ग्रुप एंड IOCL सर्वो को पावर्ड बाय JK मसाले की रंगीन दुनिया में, जहां हम जिएंगे हमारे देश के अलग अलग कल्चर्स को एक साथ। Stay happy, stay healthy, and mark your calendars 28th September 2019 at Maan Palace. See you all. I love you all. Jai Hind. Rajasthan Film Festival. Nai soch, nai disha. Right, so this beautiful activity we all enjoyed would not be possible without the support of our sports fan partners. We would like to thank Associate Partner IOCL, Extra Premium, Co-Associate Compicon College, Channel Partner C Rajasthan, Sound Partner Company Sound, Dress partner, Ronald Bajitija, Production partner, New Woods of Entertainment, Water partner, Alive Drinking Water, Grooming partner, VLCC Institute, Food partner, The Yellow House, Health partner, Apex Hospital, Weather partner, Weird City, Cruise and Travels by Drive Spa, Hospitality partner, Zone Palace by the Park, Wedding partner, Maan Palace, Planning partner, Outdoor Media, Associated by Carbon Pure Footwear, and Quality partner, SGM Outdoors, Station partner, Ace Maker, and this beautiful event is owned and managed by Casey's. Thank you so much to all of you and pleased to have you. आप सभी कॉलेज में यहाँ पर चल रहे हैं, बहुत सारी मस्ती अपन यहाँ पर करने वाले हैं। थोड़ी सी देर की छोटी सी एक्टिविटी है, मेरे दोनों साइड आप कुछ गिफ्ट देख सकते हैं जो आप सभी के लिए है। सो बेसिकली पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर खड़े हुए किसी भी इंसान ने राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का नाम आपसे पहले कभी सुना है? राजस्थान फिल्म फेस्टिवल नाम कभी यूट्यूब पे देखा हो, कहीं ऐप देखा हो? चले काफी कम लोग हैं, तो बेसिकली आप सभी टीवी देखते हैं, सभी टीवी देखते हैं कभी ना कभी लाइव के अंदर। भाई कौन बोलो भाई, कोई है इसमें टीवी नहीं देखता? टीवी नहीं देखते? इंजीनियरिंग स्टूडेंट वो कौन सा ब्रांच है? फार्मेसी। चले तुम्हारा सब लगता टीवी भी देखा, तुम्हारा सब दुनिया तीन दुनिया से दूर है, तुम लोग कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। यूट्यूब पे देखते होंगे भाई, यूट्यूब कभी ना कभी जिंदगी के अंदर एक अवार्ड शो भी देखा ही होगा, अवार्ड शो भी देखा होगा कभी ना कभी जिंदगी के अंदर। तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल भी एक अवार्ड शो है गाइस, जो 2013 में स्टार्ट हुआ था विद अ मोटिव टू अपग्रेड द राजस्थानी कल्चर। और पिछले 6 सालों से हम ये अवार्ड शो लगातार कराते आ रहे हैं। इस अवार्ड शो के साथ में हम लोग एक इंटर स्कूल इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसके अंदर पूरे राजस्थान से बहुत ही बेहतरीन कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं ग्रुप बना के। और इस साल भी 26th ऑफ सितंबर को हमारा डांस कॉम्पिटिशन है, जिसमें स्टूडेंट्स पूरे राजस्थान से आएंगे, जयपुर में कॉम्पीट करेंगे कॉम्पिकॉन कॉलेज के अंदर। और इस साल 26 सितंबर को जीतने वाली पहली टीम को दिए जाएंगे विनिंग सर्टिफिकेट, ट्रॉफी एंड अ कैश प्राइज ऑफ 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए कैश प्राइज जीतने वाली पहली टीम को दिया जाएगा। उसी के साथ अगर आप रनर अप भी रहते हैं, यानी कि अगर आप सेकंड पोजीशन भी स्कोर करते हैं, तो रनर अप सर्टिफिकेट ट्रॉफी एंड 11,000 रुपया कैश प्राइज रनर अप को दिया जाएगा, यानी कि जो सेकंड पोजीशन स्कोर करेगा हमारे डांस कॉम्पिटिशन में। और गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के कोई भी चार्जेस नहीं है, यानी कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप लोग कहां पर स्टैंड करते हैं पूरे राजस्थान के कॉम्पिटिशन के अंदर। और इस साल राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोग सिर्फ अब एक रीजनल सिनेमा नहीं रहे हैं, इस साल पूरे हिंदुस्तान से हमने बहुत से बेहतरीन आर्टिस्ट को कलाकारों को नॉमिनेट किया। इस साल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए शक्ति कपूर सर हमारे साथ मौजूद होंगे 28 सितंबर को मान पैलेस वैशाली में। और आज का बेसिकली जो ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने का मोटिव है वो ये है कि ये जानना कि आप लोग राजस्थान की भाषा से, राजस्थान से, हमारे संस्कृति से कितना जानकार है, कितने जागरूक है, और आप सभी में से कौन से वो टैलेंटेड डांसर्स हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे 26th ऑफ सितंबर के डांस कॉम्पिटिशन में। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आपको देना है, राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस।
उनका सही जवाब देने के कुछ गिफ्ट पेपर्स यहाँ पर जो आप दिख रहे हैं, उसके बाद हम ये चेक करना चाहते हैं कि आप में से कौन से वो डांसर्स हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे 26th of September को। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा डांसर्स कितने हैं यहाँ पर, डांसर्स कितने हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटी, धीरे धीरे आपको फ्लो समझ में आ जाएगा। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं आप सभी को अपना नाम बताएं, नाम सभी को बताएं, कोई गजनी तो नहीं है यहाँ पर किसी याद में बताओ। तो अगर आप सभी को अपने नाम पता है तो अपने नामों का मतलब भी पता होगा, अपने नामों का मतलब आपका नाम कैसे है कैप में, पवन पवन हवा, क्या बात है। और किसको अपने नाम का मतलब पता है जी मैम, आपका नाम दिव्य, दिव्य का मतलब क्या होता है डिवाइन, चले क्या बात है। मतलब आप सभी को मूल अपने नामों के मतलब पता है, तो क्या किसी को पता है कि जिस खूबसूरत स्टेट से हम बिलोंग करते हैं यानी कि राजस्थान, उस शब्द का, इस नाम का मतलब क्या है, राजस्थान शब्द का मतलब क्या है। अजय सर बता दे, तालियां भी जोर से बजाएंगे। चलो क्या बात है, यहाँ पर अजय सर जी, सबसे पहले तो आपका नाम राहुल अजमेरा। राहुल कौन से डिपार्टमेंट से हैं? बीटेक। बीटेक सीएस। चलिए राहुल अपने दोस्तों को बताएं कि राजस्थान शब्द का मतलब क्या होता है। राजाओं के स्थान। क्या बात है, तालियां भी जोर से बजाएंगे। राजाओं का स्थान इज राजस्थान आंसर। आपके करेक्ट आंसर के लिए बीका जी की तरफ से छोटा ये गिफ्ट एम्पर ये आपके लिए सर, थैंक यू सो मच फॉर आंसर, ये भी आपके लिए थैंक यू सो मच, आप प्लीज अपनी जगह ले सकते हैं। चलिए इसी गाइस देखिए, एक और छोटा सा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आप सभी को पता होना चाहिए राजस्थान के बारे में, और गर्व भी महसूस होना चाहिए कि हमें ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जो इतनी ज्यादा खूबसूरत और इतनी वैरायटीफुल है। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो कभी ना कभी अपने लाइफ में हवा महल गए होंगे या देखा होगा, सिटी के साइड गए होंगे। हमारे जयपुर की सबसे बड़ी अट्रैक्शन मेन टूरिज्म के जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है जयपुर सबसे बड़ी, उस हवा महल इतना फेमस क्यों है मुझे ये क्या कौन बताया जाएगा, इसकी बात करेंगे। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो शायद आपको कोई बुक में पढ़ने को नहीं मिलेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ के निवासी हैं, हम जयपुर में रहते हैं, हम राजस्थान में रहते हैं, तो इतनी बातें तो हमें पता होनी चाहिए। अगर किसी को आंसर पता तो हाथ खड़े करें यहाँ पर आ जाएं। देखिए आंसर या तो सही होगा या फिर गलत होगा, अगर सही हुआ तो तालियां बज जाएंगी, गिफ्ट मिल जाएगा, गलत हुआ तो भी मैं सही कर दूंगा, तो खास कोई दिक्कत है नहीं। आपके दोस्त आपके सामने खड़े हैं, शर्मानी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हवा महल इतना फेमस क्यों है मुझे सिर्फ ये जानना है, कौन बताना चाहेगा? तालियां मैम यहाँ पर तालियां हो जाएंगी इनके लिए। कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आपका आंसर नहीं देखा जाता है। आपका नाम रेणु बहरवा। कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? फार्मेसी। फार्मेसी। चलिए रेणु मैम बताना चाहते दोस्तों को कि हवा महल जो जयपुर में मौजूद है वो इतना फेमस क्यों है। इसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन तो ये है कि उसकी नेम नहीं है, वो डायरेक्ट जमीन पर से बनाया गया है, और सेकंड ये है कि उसके सामने से तीज की सवारी निकलती है, तो जो राजाओं की बीवियां होती थी राजपूतों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती थी, तो वहां से जो घरों के थे उनसे वो इजीली नीचे देख सकती। एकदम सही आंसर है, थैंक यू सो मच जो हमारे साथ I'm not afraid to die.
क्योंकि थोड़ा सा शानदार होना चाहिए। एक कितनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए सिद्धि अनंता ग्रुप की तरफ से छोटा सा राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 28 ऑफ सितंबर की अवार्ड सेरेमनी का एक इनविटेशन पास भी आपके लिए। थैंक यू सो मच परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच गॉड। 28th ऑफ सितंबर की इवनिंग को आप सभी भी इनवाइटेड हैं मान पैलेस वैशाली में अपने फैमिली के साथ पूरा अवार्ड शो एंजॉय करने के लिए। नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए कौन आना चाहेगा फ्रांसी? आज का जो ये स्टेज है उसमें डांसर्स के लिए नहीं है, आप सिंगिंग भी कर सकते हैं, एक्टिंग भी कर सकते हैं, मिमिक्री भी कर सकते हैं, कॉमेडी भी कर सकते हैं, डांसिंग भी कर सकते हैं, जो भी आपका मन है आपको परफॉर्म कर सकते हैं। आज का स्टेज आप सभी के लिए ओपन है, जितना कॉन्फिडेंस आपको चाहिए उतना कॉन्फिडेंस आपको स्टेज से मिल पाएगा। जी सर, बताइए सर कल आपका नाम। Hi everyone, my name is Navin Ohja and I'm from Udaipur. तो आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? शादी सुनना चाहते हैं, रैप सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं? भाई बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। ठीक है लो, सुन कुड़िये तेरे पिछड़ो तो बाल तेरे आगे पीछे घूमो पर गया दिखा उठा मेरी आंखों में तू देख तुझे दिखे तेरा प्यार तू माने या ना माने कुड़िये मैं हूँ मुंडा शानदार तेरे साथ वाला बंदा मुझे देखे बार बार उसको इतना सब बता दे मुन्ना बुरे इस बार मुझे न सही मेरे गुस्से को संभाल वरना कर दूंगा मैं टोटल बंदा फूल बवाल लड़कियां तो घूमे मेरे आगे पीछे कहीं मेरे नाम से चले हैं यहाँ कई कलाकार मुझे नहीं लगता तुझे चाहिए सच्चा क्या तभी तो मुंडे घूमे तेरे पीछे लेके अपनी कार एक दिन तू कहेगी मुझे इतनी सी बात तुम ही हो प्यार मेरा होता थोड़ा टाइम था उस दिन तू याद करेगी ये दिन हर रात और गाएगी बहुत मेरे यहाँ से गाजा उस बाल पर वादा है कुड़िए तो इन्हें मिलूं उस बार प्यार मेरा सच्चा न को दिल का बचा ले या मेरे जज्बात राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 28th ऑफ सितंबर की जो सेरेमनी है उसका एक इनविटेशन पास भी आपके लिए सर। थैंक यू सो मच फॉर परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेट करते रहे ऐसे कॉन्फिडेंट रखे और आप भी सभी जगह ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट कुछ परफॉर्म करने के लिए कौन आ सकती गाइस? ये स्टेज हर चीज के लिए आप सभी के लिए ओपन है। आज जितना भी टैलेंट है आप सभी में निकाल सकते हैं क्योंकि आज की इस एक्टिविटी की एक वीडियो बन रही है जो यूट्यूब पे अपलोड होगी हमारे चैनल में जिसका नाम है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। वहां पर आपके कॉलेज के नेम से आज की पूरी एक्टिविटी आप लोग देख पाएंगे। तो जितना परफॉर्म आप कर सकते हैं जितना टैलेंट आप सभी में है वो निकालें तो जितना अच्छे से आप परफॉर्म करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका आएगा। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए कौन आना चाहता है? डांसिंग सिंगिंग एक्टिंग जो भी आपकी मर्जी टैलेंट आपका कैमरा हमारा तालियां ऑडियंस की और गिफ्ट तो मैं दे ही दूंगा। कौन आना चाहेगा नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए? सी परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा आपके कॉलेज के फैकल्टी इतनी सपोर्टिव है इतनी एक्टिविटीज के तरफ तो परफॉर्म तो आप सभी को करना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक्टिविटी सिर्फ सिर्फ ये देखने के लिए है कि आप में कितना टैलेंट है आप में कितनी कैपेबिलिटी है तो परफॉर्मेंस के बिना तो हम देख नहीं पाएंगे। तो कौन आना चाहेगा? डांसिंग सिंगिंग एक्टिंग आपको जो परफॉर्म करना है आप कर सकते हैं। 26th ऑफ सितंबर को हमारा डांस कॉम्पिटिशन है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉम्पीट कर सकते हैं। जीतने वाले टीम्स के लिए है कैश प्राइजेस। जी वहां से कोई आना चाहेगा आपको शेर और शायरी सुनाता हूँ बहुत शानदार। चलिए तो फिर सर से शेर ही सुनते हैं पूरी दिक्कत नहीं सी। टैलेंट होता है वो हर तरीके का होता है हर प्रतिभा के अंदर होता है किसी में डांसिंग का होता है किसी में सिंगिंग का होता है तो सर का टैलेंट वो देखिए ताली एक बार जोरदार जाए डांसर कमाई की क्या लोग कहते हैं कि जिंदगी बहुत पीड़ा होती है लोग कहते हैं कि जिंदगी बहुत
पीड़ा होती है आदमी के मरने के बाद उसकी लास्ट स्टेज शमशान होती है। मेरा मंच के माध्यम से कहना है लोगों से, आदमी की बिहेव से उसकी पहचान होती है, आदमी के बिहेव से उसकी पहचान होती है। दोस्तों आज मुझे मौका मिला है आप लोगों के साथ बोलने का, आप जैसे लोग मुझे कहां मिलेंगे, मैं इतनी दूर से आया आकर आपके सामने कुछ कह रहा हूं मैं गा रहा हूं। तो एक छोटी सी बात और कह लेता हूं कि दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और यूं तो हमने भीड़ देखी बहुत हजारों की, यूं तो हमने भीड़ बहुत देखी हजारों पर हजारों की, पर तुम जैसे हसीन हस्तियां बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। और एक्चुअली लास्ट में एक बार कहता हूं कि फुर्सत मिले तो याद कीजिएगा, फुर्सत मिले तो याद कीजिएगा, हमारी कमी का एहसास कीजिएगा। हमें तो आदत है आप लोगों को याद करने की, अगर हिचकिया है तो माफ कीजिएगा। अगर हो सके तो वहां पर आए और थोड़ा चलिए कुछ और परफॉर्म करने के लिए टैलेंट अगर बचा है तो प्लीज स्टेज ओपन है, यहाँ पर आए परफॉर्म करें, डांस कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, एक्टिंग भी कर सकते हैं आप सभी, जितना टैलेंट आप में वो देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो आपको छो परफॉर्म करना है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ओपन स्टेज है आप सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टीज के लिए, और इतना शर्माने की घबराने की तो बात कही नहीं, इतना दोस्तों में इतना आपके दोस्तों में कॉन्फिडेंस बहुत है कि आप कुछ परफॉर्म करेंगे तो बताए क्या परफॉर्म करते हैं जी। किताब देखो, किताब तो हमारे पास है ना, आपके पास अभी नहीं, अगर घर पे तो थोड़ा लंबा जर्नी हो जाएगा घर पे जाने का, तो किताब लेने में डाते भी होंगे तो मतलब सिर्फ प्ले करते हैं, किताब लेने में डाते भी नहीं आएंगे, थोड़ा तो एक तो लाएंगे दोस्तों के लिए, दोस्तों के लिए एक सॉन्ग छोटा सा एक तो लाने चाहती है, मरती की नहीं मरती भाई, तो ताले हो जाए फिर कौन सॉन्ग है जो भी आपका मन करे सॉन्ग आपका फ्रेंड्स आपके ताले तो आपके नहीं गिफ्ट हमारे पास नहीं। देखिए क्या होता है कि जब आपने बोला कि आप गिटार बजाते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर सिंगिंग का हिडन टैलेंट भी होगा, जब स्टेज मिलेगा तब वो टैलेंट सामने आएगा, ट्राई करें अगर वो सॉन्ग आपके मन में आ रहा है तो आप गाना चाहेंगे तो स्टेज आपके ओपन है। आगे कोई लोग तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, जादू तेरी दुनिया तेरा दुनिया, यारा तेरी यारी को एक लेडीज होती है वो अपने बच्चों को छोटे को लेके जाती है साथ में, तो वो अपने मम्मी
गाना गाना मेरे को तो आती तो बोल देता कि मेरे को गाना गाना वो समझ जाती गाना गाना एक बार उसको वो अपने एसपी के पास छोड़ के जाती है तो वो पापा से बोलता है कि पापा पापा मेरे को गाना गाना है तो वो समझ नहीं पाता क्या बोल रहा है वो तारा बोलता है कि पापा पापा मेरे को गाना गाना है तो बोलता है कि धीरे से तेरे कान में गाते तो अपनी जिद बोलता है पापा के कान में कुछ गा देता है मैं क्या बोल रहा था कि आंसर से फर्क नहीं पड़ता है परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है कॉन्फिडेंस से फर्क पड़ता है कॉन्फिडेंस इनमें बहुत ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस के लिए बी का सीट एक छोटा सा एक एक टाइम पर आपके सर ताले भी होता था बैंक ने थैंक यू सो मच परफॉर्मेंस आप प्लीज अपनी जगह ले सकते हैं चलिए तो कोई और बचना है कोई परफॉर्म करेंगे लड़की में से एक ही नाम सहायक डांसर नहीं है ऐसा हो तो वहाँ डांसर तो होगा लड़कियों में तुम्हारे पास कल से लड़के मौजूद है यहाँ पर डांसर है नहीं यहाँ पर लड़कियों में से कोई भी डांसर ही नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता यार बरातों में नाचे हो गए भाई बहन की शादी में नाचे हो गए वही डांसर वही होता है जिसको डीआईडी तो क्रैक करके डांसर नहीं बनते लोग डांसर उतने ही होते हैं कौन परफॉर्म देगी एक्टिविटी तब तक चलेगी जब तक आप परफॉर्म करेंगे अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो एक्टिविटी भी शॉर्ट करनी पड़ जाएगी तो अगर कोई और परफॉर्मेंस बची है तो बराबर से बताएं हाँ जी सर क्या परफॉर्म करना चाहेंगे गाना अजय सर कौन गाना चाहेंगे अजय से ताले हो जाए पिछले एक होगा सब तो वैसे अभी भी आए थे देखिए मंच का फायदा उठाना आपके हाथों में है मंच प्रोवाइड करना हमारे हाथों में है वो हम आपको दे रहे हैं फायदा उठाना आपके हाथों में है सर क्या क्या गाना चाहेंगे आप मैं आज रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाना चाहता हूँ यदि जनता की आवाज है जैसे सैड सॉन्ग सुनना चाहते हो कौन सा सुनना चाहते हो मैं गाना सुनाता हूं तुम्हें बहुत अच्छा गाना सुनाऊंगा हाइट कमजोर दिल वालों से कहता हूं थोड़ा सा दूरी बना लें और जिनका हार्ट मजबूत है और वास्तविकता में अगर फीलिंग्स आती हो तो प्लीज जरूर सुन लें गाना है एक संजय दत्त की मूवी है उसका गाना है इससे पहले कि आज तू आए और मेरी आंखों में फिर लहू आए तो उसके रिश्ता में तोड़ जाऊंगा मैं तेरा शहर तोड़ता हूँ गाना है इससे पहले कि आज तू आए मेरी आंखों में फिर लहू छाए तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा मैं तेरा सर छोड़ जाऊंगा मैं तेरा सर छोड़ जाऊंगा मैं तेरा मुजरिम तेरा हर जाई साथ ले जाऊंगा रुसवाई दाग दामन से ये मिटा दूंगा तुझको इतनी बड़ी सजा दूंगा इससे पहले कि आज तू आए मेरी आंखों में फिर तो मैं तोड़ जाऊंगा मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा बहुत ही बेहतरीन और गिफ्ट आपको मिल चुका क्या रह गया सर आपके बताए भीखा जी या फिर क्या रह गया था सर बस मान सम्मान कर लेता हूँ राजस्थान के लिए राजस्थानियों के लिए है तो आप अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ 28 सितंबर की इवनिंग पे मान पैलेस पे शादी में आ सकते हैं पूरा लाइव वॉच एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह राजस्थान फिल्म फेस्टिवल कलाकारों को और हमारे राजस्थान की भाषा को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है नमस्ते मैं हूँ श्रेयस सरपदे और मैं आ रहा हूँ गुलाबी नगरी जयपुर में 28 सितंबर को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करने के लिए
मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी जरूर आएंगे और हम सब मिलकर बनाएंगे इस रंगीन बेहतरीन शाम को और भी यादगार। तो मुझे इंतजार रहेगा आपका इस बीकाजी असली बीकानेरी प्रेजेंस ओसवाल सोप ग्रुप राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 7th अवार्ड सेरेमनी पावर्ड बाय सिद्धि अनंत ग्रुप एंड IOCL सर्वो को पावर्ड बाय JK मसाले की रंगीन दुनिया में जहां हम जिएंगे हमारे देश के अलग अलग कल्चर्स को एक साथ। स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड मार्क योर कैलेंडर्स 28 September 2019 एट Maan Palace. See you all. I love you all. Jai Hind. Rajasthan Film Festival. Nayi Soch, Nayi Disha.